और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर का मामला भी खत्म भी नहीं हुआ था, किसी तरह का एक और मामला सामने आ गया। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक और महिला नोएडा पहुंची है जो कि सुर्खियों में है। महिला का नाम सोनिया अख्तर है जिसने भारत के ही सौरभ कांत तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन अब सौरभ कांत तिवारी का ये साफ तौर पर कहना है कि बांग्लादेश में उसे फंसाया गया है और उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। सौरभ कांत तिवारी ने कहा कि उसे हनी ट्रैप के जाल में फंसाया गया है। तो सौरभ कांत तिवारी का साफ तौर पर यह कहना है कि बांग्लादेश में सोनिया अख्तर के साथ उसका कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है और दबाव बनाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि निकाहनामे पर भी दस्तखत जो करवाया गया वो जबरन था। सोनिया और सौरभ की कहानी में नया मोड़, हनी ट्रैप में फंसाने का लगाया आरोप, प्रेम नहीं पैसे के लिए फंसाया गया। बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी के मामले में नया मोड़ आ गया है। बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर पर सौरभ कांत तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ कांत तिवारी का कहना है कि उसका बांग्लादेशी महिला से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, उसे फंसाया गया है। सौरभ कांत तिवारी ने सोनिया अख्तर पर जो भी आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। सौरभ कांत तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि उसका बांग्लादेशी महिला के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, बांग्लादेश में उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और सोनिया अख्तर का पूरा मकसद उसके पैसों को हासिल करना था। ये वेल प्लान ट्रैप था मेरे लिए, जो अच्छी तरह से बिछाया गया और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया और आज भी किया जा रहा है। अगर आप इस रिश्ते की क्रोलॉजी समझें या लाइफलाइन समझें सर, 15 महीने निकले थे, सारी मतलब पहले 5 या 6 महीने में सारी चीज़ें मुझे उजागर हो गई थी और 15 महीने में ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि इसका मोटिव कोई शायद वो नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, पैसा लेना है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना है। सोनिया अख्तर पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। उसने सिर्फ सोनिया ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर फंसाने का आरोप लगाया है। सौरभ का आरोप है कि सोनिया अख्तर को लेट नाइट पार्टियों का शौक था और कई बार तो पार्टी से घर लौटती भी नहीं थी, वो देर रात कॉल करती थी। सोनिया अख्तर की बहन भी उससे बात किया करती थी। जब ये शुरू में मिली फरवरी मार्च और अप्रैल एक अलग तरह का रूप था और अप्रैल के बाद एक कट्टरवाद का एक रियल जो चेहरा था वो सामने आया। शुरू में जब ये आया करती थी तो इनको पार्टीज का काफ़ी शौक है, लेट नाइट पार्टीज हुआ करती थी। मैं अकेला रहता था, मेरे कुछ दोस्त भी थे तो लेट नाइट पार्टीज होती थी, खाना होता था, पीना होता था और धीरे धीरे ये वहाँ रुकना भी इन्होंने शुरू किया। और एक जैसे मैंने बोला एक प्लान था, उस प्लान के तहत जैसे आई बात करी, लेट नाइट कॉल कर रही हैं तो उनकी बहनें हैं, बहन के बच्चे भी बात कर रहे हैं, कौन करता है ऐसा, ठीक है। सौरभ तिवारी ने सोनिया के पूरे परिवार पर धमकी देने, मारपीट करने और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। सौरभ का आरोप है कि इस पूरे मामले में सोनिया अख्तर के परिवार के अलावा दूसरे लोग भी शामिल थे। मेरे पासपोर्ट गायब हुआ और उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरा पासपोर्ट नहीं है। और ये जब आती हैं तो घर में 12 से 13 लोग आते हैं, उसमें कुछ काजी भी रहते हैं, इनके परिवार के लोग भी रहते हैं और क्लियर एक पेपर रखा जाता है, बोला इस पे साइन करो। मैंने पेपर है क्या, बोला साइन करो। मैंने कहा क्यों साइन करूँ मैं, तो बोला ये तुमने हमारी देश की महिला के साथ एक गलत व्यवहार किया है, ये किया है, हम आपको झूठे चार्जेस में फ्रेम कर देंगे, कभी इंडिया नहीं जा पाओगे। किसने कहा था ये सब चीज़ें? इनके जो परिवार के साथ थे, इनके मित्र थे और कुछ संगठन के लोग थे सर। सोनिया अख्तर का दावा है कि सौरभ कांत तिवारी ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन सौरभ कांत तिवारी इससे इनकार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जिस धर्म की ABCD तक नहीं जानते उस धर्म को क्यों स्वीकार करेंगे। अरे मैं क्यों धर्म अपना धर्म परिवर्तन करूंगा जिसकी मुझे ABCD नहीं मालूम, मैं उस धर्म को क्यों परिवर्तन करूंगा? सोनिया, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ब्राह्मण परकुल से बिलोंग करता हूँ, इन्हीं संस्कारों के साथ बड़ा हुआ, तो मैं
जिस धर्म का मुझे ये भी नहीं मालूम, मैं उसको क्यों चेंज करूंगा। अगर ठीक है, मेरे को अगर इनसे शादी करनी होती तो मैं इनका धर्म चेंज कराता। सौरभ कांत तिवारी का दावा है कि दस्तावेज पर दस्तखत करवाने के लिए उन पर जबरन दबाव बनवाया गया था और धमकी भी दी गई थी। तो उन्होंने क्लियर कट मेरे को बोला था, आपको झूठे चार्जेसों में फ्रेम करा देंगे और कभी भी बांग्लादेश से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो एक दबाव मेरे मंस में, एक तरह से मैं आ गया उस प्रेशर में। मैंने हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश में ये हो सकता है, क्योंकि इनके जो समाज इनका वहाँ है, इनके सारे कनेक्शंस वहाँ पे हैं, इनके संगठन काफ़ी स्ट्रांग थे, वकील थे, पुलिस थी, सब इनके साथ में थे। तो एक ये पूरी टीम की तरह काम करते थे। फिलहाल सौरभ ने इस मामले में नोएडा पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाई है और आरोपों की जांच की जा रही है। सोनिया अख्तर का दावा है कि सौरभ ने उनके साथ शादी की थी, लेकिन सौरभ इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में सौरभ की तरफ से तलाक के लिए अर्जी दायर की गई है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सीमा हैदर की तरह ही सोनिया अख्तर अपने शौहर के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई है। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से पाकिस्तान आ गई और बांग्लादेश की सोनिया अख्तर भी पति के बगैर वापस जाने को तैयार नहीं है। सोनिया ने सौरभ कांत तिवारी से अप्रैल 2021 में निकाह करने का दावा किया है, साथ ही साथ सौरभ पर धोखा देकर भारत लौट जाने का भी आरोप लगाया है और बांग्लादेश से अब सोनिया भारत पहुंच चुकी है। शौहर को पाने की उनकी ये लड़ाई, उन्होंने कहा है कि वो आगे भी जारी रखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई गंभीर आरोप भी सौरभ पर लगाए। और सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश की महिला सोनिया अख्तर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ का आरोप यह कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और फिर उन्हें फंसाया गया है। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल सौरभ कांत तिवारी जो है वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं। आपको सबसे पहले फेरिस्त बताते हैं कि उनकी तरफ से आखिर कौन कौन से आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। हनी ट्रैप में फंसा कर ही शादी की गई। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया गया, सौरभ तिवारी ने सोनिया अख्तर पर बांग्लादेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप भी लगाया। सौरभ ने सोनिया अख्तर और उसके परिवार के घर से जबरन पासपोर्ट को गायब करने का आरोप भी लगा दिया। इतना ही नहीं, सौरभ का ये भी आरोप है कि मुझसे बांग्ला भाषा में लिखे कागज पर जबरन दस्तखत करवाए गए थे, साथ ही मुझे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई थी। और यही सब वजह है कि सौरभ का ये कहना है कि जो शादी की बात कही जा रही है वो उनकी मनमर्जी से नहीं हुई थी, उन्हें फंसा कर, हनी ट्रैप में फंसा कर और उन्हें भय दिखाकर शादी की गई थी। एक तरफ तो सौरभ कांत तिवारी सोनिया अख्तर पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो सोनिया जो बांग्लादेश से भारत आ चुकी है। वहीं सोनिया अख्तर का दावा यह है कि सौरभ कांत तिवारी ने ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था और दोनों का निकाह भी पूरे धार्मिक रीति रिवाज से हुआ था। सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी, पहले ये एक प्रेम कहानी लगती थी और सोनिया अख्तर की तुलना सीमा हैदर से की जा रही थी, लेकिन अब ये प्रेम कहानी कम और साजिश की गुत्थी ज्यादा लग रही है। सौरभ कांत तिवारी ने जो आरोप सोनिया अख्तर पर लगाए हैं वो किसी साजिश का ही हिस्सा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही है। सोनिया अपने बच्चे के साथ बांग्लादेश से आई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपना अधिकार लेकर रहेंगी। सोनिया अख्तर ने सौरभ तिवारी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सौरभ के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, पूरे रीति रिवाज से उन दोनों का निकाह हुआ है। 13 अप्रैल में उन्होंने गया अगरतला बॉर्डर पे जाके, जो शादी से पहले अंगूठी, नोज पिन, जो कान का दूल्हे झुमका उन्होंने लेके आया। उसके बाद 14 अप्रैल 2021 में मेरा शादी हुआ है, निकाह हुआ है बैतुल मुकर्रम मस्जिद
बांग्लादेश में जो सबसे बड़ा मस्जिद है बैतुल मुकर्रम में, जो बांग्लादेश मुस्लिम धर्म अनुसार जो निकाह होती है, तो उस धर्म अनुसार मेरा निकाह हुआ है, शादी हुआ है। उसके बाद मैं उनके साथ उनका जो कंपनी क्वार्टर है वसुंधरा में ढाका, उसमें रहती थी। इतना ही नहीं, सोनिया अख्तर का दावा है कि सौरभ कांत तिवारी ने खुद ही उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और शादी के लिए ही उसने अपना धर्म बदला। उन्होंने मेरे को प्रपोजल किया डायरेक्टली, तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने बोला सर आप तो मेरे से उम्र में भी बड़ा है, पोजीशन में भी बहुत बड़ा है, तो और धर्म भी आपका चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम मेरे से शादी करोगी। तो मैंने बोला करके तो दिखाया, मैं ऐसे ही बोला था। फिर उन्होंने मुझे नहीं पता था उन्होंने धर्म चेंज कर देगी। फिर उन्होंने 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट में जाकर एकदम लीगल तरीके से उनका जो पासपोर्ट है इनको दे के, तो उन्होंने उनका खुद का धर्म हिंदू से मुस्लिम बना है, उसका एफिडेविट है मेरे पास। फिलहाल सोनिया अख्तर नोएडा में है और उन्होंने सौरभ तिवारी पर खुद को परेशान करने और घर में दाखिल नहीं होने देने का आरोप भी लगाया। इंडिया में आया हूँ उनसे मिलने के लिए, सीधा एयरपोर्ट से कार बुक करके मैं उनके घर, जो मेरे को नोएडा का पता था, नोएडा में आ चुकी हूँ शिवाली का होम्स में। तो तब लगभग रात 12 बज गया है। उन्होंने क्या है, पहले से ही गार्ड को मना कर दिया, बांग्लादेशी कोई आएगी तो घुसने मत देना। उसके बाद उन्होंने घर से उधर, मैं फिर भी मैं गाड़ी लेके अंदर गया, अंदर जाने के बाद उन्होंने मेरे को धक्का मार के उधर से बाहर कर दिया, मेरे को बहुत टॉर्चर किया है। सोनिया अख्तर 3 अगस्त को बांग्लादेश से भारत पहुंची थी और आरोपों के आधार पर वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हस्बैंड को पूछा है तो बोल रही है मेरा पत्नी नहीं है, मेरा कोई या बच्चा को डीएनए करो, मतलब उल्टा सीधा बोला है। उसके बाद और सूरजपुर थाने वाला ने उनको बोला है तेरा पत्नी है, लड़की आया है उधर से, ऐसा ऐसा थोड़ी आया है। तो उन लोगों ने एक लिखवात लिखा है, जो मैं सोनिया अख्तर, मेरा हस्बैंड का नाम सौरभ कांत तिवारी है, मैं बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ मेरे पति से मिलने के लिए, सूरजपुर थाना से थ्रू से मैंने उनसे मिल लिया है, तो अब मैं खुश हूँ। इसमें एक सिग्नेचर भी लिया है मेरा, मैं उसमें एक लिखवात भी दिया है, मतलब कंप्लेन भी किया, एकदम लिखित कंप्लेन किया मेरे हस्बैंड के नाम पे, जो ऐसा ऐसा मेरे से किया है। तो उनपे मेरा हस्बैंड का भी सिग्नेचर है, आप जाके सूरजपुर थाने को भी पूछ सकती है। फिलहाल ये मामला पुलिस के सामने पहुंच चुका है। सोनिया और सौरभ ने एक दूसरे पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बेहद अहम और एक बड़ी खबर इस वक्त की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों को सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन ना दिखाने की सलाह दी है। मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सट्टेबाजी के विज्ञापनों में काला धन शामिल होने की संभावना होती है। साथ ही साथ कहा गया है कि इस सलाह का पालन करने में नाकाम होने पर सरकार कार्रवाई करने को मजबूर हो सकती है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, इस पूरी एडवाइजरी में किस तरह की सलाह दी गई है खासतौर पर मीडिया संस्थानों को? इसमें सीधे सीधे जो मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की उसमें कहा गया है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो प्रमोशनल कंटेंट्स आते हैं बेटिंग को लेकर,